हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होली में रंगों का इस्तेमाल करके होली क्यों मनाई जाती है और देश में मनाई जाने वाली अलग अलग तरीके की होली के बारे में। होली वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करती है। परंपरागत रूप से होली में इस्तेमाल होने वाले रंग फूलों और जड़ी बूटियों से बनते हैं। लाल रंग उर्वरता को दर्शाता है, नीला रंग कृष्ण का रंग है, पीला हल्दी का रंग है और हरा रंग वसंत की शुरुआत का प्रतीक होता है। रंग और विविधता भारतीय संस्कृति का पर्याय है। देश में सबसे प्रतीकात्मकता में से एक होली रंगों का त्योहार कहा जाता है। जब होली आती है तो पूरे देशवासी नीला, पीला, हरा, जामुनी ऐसे कई रंगों में डूब जाते हैं। रंगों के उस पाउडर को गुलाल कहा जाता है। पानी के साथ मिश्रित रंगों को रंग कहा जाता है। पहले के समय में होली के गुलाल का रंग घर पर पेड़ के फूलों की मदद से बनाया जाता था, जिसे जंगल की लौ भी कहा जाता था। केसरी लाल रंग से बना रंगीन पाउडर को अबीर कहा जाता है। होली के प्रत्येक रंग का एक अलग ही महत्व होता है और ये जीवन में एक शक्ति का प्रतीक होता है और इस प्रकार रंग और जीवन अविभाज्य है, जो हमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, आपने होली से जुड़ी बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी तो सुनी ही होगी। आज हम होली में रंगों के इस्तेमाल होने के पीछे की राधा कृष्ण की कहानी के बारे में जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। होली में रंगों से खेलने का सबसे लोकप्रिय कारण कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी है। कृष्ण का जन्म नीले रंग में हुआ था और वो जब भी राधा के पास जाते थे, राधा उनसे बात नहीं करती थी। इस वजह से उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न होने लगी। कृष्ण को लगता था कि शायद राधा उनके रंग की वजह से उनसे डरती है। उन दोनों के बीच के रंग का अंतर होने की वजह से राधा कृष्ण से बात नहीं कर रही है। होली के त्योहारों पर रंगों के साथ होली खेलने के पीछे की कहानी जानना बेहद दिलचस्प है। एक बार भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत कर रहे थे कि माँ, राधा का रंग इतना अच्छा क्यों है और मेरा रंग इतना गहरा क्यों है। कृष्णा का जन्म नीले रंग में हुआ था, इसलिए कृष्णा को डर था कि राधा उनके रंग के कारण उनसे बात नहीं करती है। कृष्णा को यह महसूस होता था कि यह प्रकृति द्वारा किया गया अन्याय है। यह सुनकर माँ यशोदा ने अपने बेटे कृष्ण को एक सुझाव दिया कि कृष्णा, राधा को अपने रंग में रंग दो, राधा के चेहरे पे अपने पसंद अनुसार रंग लगा लो। जब कृष्ण की माता यशोदा ने उन्हें राधा पर रंग डालने की सलाह दी और वे बिल्कुल ही अलग नहीं दिखी, कृष्ण ने इस विचार की सराहना की और इसे लागू किया। इस तरह एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाने का ये खेल लोकप्रिय हो गया। होली में पानी से खेलने का तरीका बाद में आया था। भारत में विभिन्न प्रकार से होली मनाई जाती है, जैसे कि लट्ठमार होली, होला मोहल्ला, कृष्णा होली और खादी होली। इन सभी होली में रंगों और पानी के इस्तेमाल के साथ होली मनाई जाती है। अब हम जानेंगे भारत में होली मनाने के अलग अलग तरीकों के बारे में। पहली है उत्तर प्रदेश की लट्ठमार होली। पुराण कथा के अनुसार होली भारत के बरसाना क्षेत्र में शुरू हुई, जिसमें वृंदावन, मथुरा और नंदगांव शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि यहां त्योहार रंगों के साथ नहीं बल्कि लट्ठों के साथ मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती है और पुरुष भी उसके लिए तैयार आते हैं। दूसरी है उत्तराखंड की खादी होली। खादी क्षेत्र में खादी का खेल खेला जाता है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड के शहर शामिल है। इस क्षेत्र में होली आमतौर पर विभिन्न संस्कारों में एक संगीत सभा होती है, जिसे बैतिका होली, खादी होली और महिला होली के रूप में जाना जाता है। तीसरी है पंजाब में होला मोहल्ला। पंजाब में होली होला मोहल्ला योद्धा होली के रूप में मनाई जाती है। यह त्यौहार निहंग सिखों द्वारा मनाया जाता है। वे मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हैं और इस दिन अपने दिलों को गाते हैं, जो आमतौर पर होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में बसंत उत्सव और ढोल यात्रा। बसंत उत्सव शांति निकेतन में एक विशेष उत्सव है। इस त्योहार को मनाने के लिए लड़के लड़कियां भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। ढोल पूर्णिमा पर एक जुलूस में राधा और कृष्ण की मूर्तियों को सड़कों पर ले जाया जाता है। मस्ती में शामिल होने के लिए लोग इस जुलूस में पानी और रंगों का छिड़काव करते हैं। पांचवा है गोवा का शिग्मो फेस्टिवल। होली का ये त्योहार गोवा में शिग्मो त्योहार के रूप में एक विशाल वसंत उत्सव है। यह हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यहाँ किसानों द्वारा पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं। गोवा के लोग इस त्योहार को बड़ी उमंग के साथ मनाते हैं। मणिपुर की योसांग होली।
मणिपुर में होली या योसंग 6 दिनों के लिए मनाई जाती है। त्योहार का मुख्य आकर्षण थंबलचोगा एक मणिपुरी लोक नृत्य है जो परंपराओं को जोड़ने और एकरूपता बनाए रखने के लिए किया जाता है। मणिपुर के हिंदू इस त्योहार को रंगों के साथ भी खेलते हैं। बिहार की फगुआ होली। बिहार में होली को स्थानीय भोजपुरी बोली में फगुआ के नाम से जाना जाता है। होली खेलने से पहले होलिका की चिता को रोशन करना महत्वपूर्ण है। उसके बाद लोकगीत, पानी और प्राकृतिक रंगों के साथ होली खेली जाती है। आठवीं है असम की फगुआ होली। असम में होली के त्यौहार को फगुआ के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार को 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन की कथा का संकेत देते हुए मिट्टी के कुंड जलाए जाते हैं। दूसरे दिन स्थानीय लोग इसे रंगों के साथ मनाते हैं। नौवीं है महाराष्ट्र और एमपी की रंग पंचमी। महाराष्ट्र में होली को सबसे मजेदार तरीके से मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद के दिन रंग उत्सव झील में मनाया जाता है। उस दिन को रंग पंचमी कहते हैं। और आखिरी है राजस्थान के उदयपुर की रॉयल होली। उदयपुर में होली शाही तरीके से मनाई जाती है। होली की पूर्व संध्या पर स्थानीय लोग होलिका दहन के अवसर पर बुराई के निशान से छुटकारा पाने के लिए हल्की अलाव जलाते हैं। यह उत्सव उदयपुर के मेवाड़ शाही परिवार द्वारा भव्य स्तर पर किया जाता है। फैंसी जुलूस में सजाए गए घोड़े और शाही बैंड शामिल किए जाते हैं। पारंपरिक पवित्र अग्नि जलाई जाती है और होलिका का एक पुतला भी जलाया जाता है। इस बार होली के त्योहारों पर कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है, इसीलिए कोरोना से मुमकिन बचाव करें और परिवार के साथ सेफ होली खेलें। इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अब आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।